अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। जैसे कि आप लोग देख रहे हैं कि हम अपना जो चैप्टर नंबर 2 है FSC पार्ट 1 बायोलॉजी का, बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स, वो डिस्कस कर रहे हैं। तो उसमें जो टॉपिक 9 है हमारा, वो है अबाउट कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स? हमें पता है कि हमारी जो बॉडी है इसमें बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो एग्जिस्ट करती है। बहुत टाइप्स के जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो हमारी जो बॉडी है, लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है उसके अंदर बहुत ज़्यादा, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स हैं वो एग्जिस्ट करते हैं। लाइक जैसे डिफरेंट अदर ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोलिपिड्स हैं, न्यूक्लियो प्रोटीन्स वगैरह, ये सारे के सारे जो हैं ये कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं। अब कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बनते कैसे हैं? लाइक अगर हम कंजंक्शन की बात करें तो बहुत से कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स मिलकर जो है जो मॉलिक्यूल्स बनाते हैं उनको हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। लाइक फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें कि हमारे पास जैसे कार्बोहाइड्रेट्स अगर मिल जाएं प्रोटीन्स के साथ तो ये हमारे पास बना देते हैं ग्लाइकोप्रोटीन्स। तो ये जो ग्लाइकोप्रोटीन है ये क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है जो के कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन्स के मिलने से बना। इसके बाद अगर हम फर्दर देखें तो अगर ये कार्बोहाइड्रेट्स कंबाइन कर जाएं लिपिड्स के साथ तो हमारे पास जो है वो बन जाता है ग्लाइकोलिपिड्स। ये भी क्या है? एक कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। इसके अलावा अगर हम और देखें तो जैसे हमारे पास अगर लिपिड्स हैं, लिपिड्स अगर कंबाइन कर जाएं प्रोटीन्स के साथ तो ये बना देते हैं लिपोप्रोटीन्स। इसके अलावा और भी है, जैसे अगर हम न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो न्यूक्लिक एसिड अगर मिले प्रोटीन के साथ तो ये हमारे पास क्या बनता है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स। क्लियर? तो दीज ऑल आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर अगर आप ये देखें, ये भी क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है। ग्लाइकोलिपिड्स क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। लिपोप्रोटीन्स भी कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स और न्यूक्लियो प्रोटीन्स भी क्या है? कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और इनके जो स्ट्रक्चरल कॉम्पोनेंट्स हैं वो ये हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स प्लस प्रोटीन ग्लाइकोप्रोटीन, इस तरह से ये सारे सेम, और ये ऑल दीज आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। अब इसमें अगर हम देखें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो हैं वो ये हैं कि जो मोस्ट ऑफ द सेलुलर सिक्रीशंस वो होती हैं ग्लाइकोप्रोटीन की फॉर्म में। जितने भी मोस्ट ऑफ द जो सेलुलर सिक्रीशंस हैं, सेल जो सिक्रीट करते हैं वो क्या है? ग्लाइकोप्रोटीन्स। इसके अलावा अगर आप देखें कि ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स, ये जो सेल मेम्ब्रेन इसमें इसकी सरफेस के ऊपर जो है वो एग्जिस्ट करते हैं, स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। क्लियर? इसके अलावा अगर आप लिपोप्रोटीन की बात करें तो ये फ्रेमवर्क के तौर पर काम करती है इन द स्ट्रक्चर ऑफ सेल मेम्ब्रेन, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स। इसके अलावा अगर आप न्यूक्लिक एसिड की बात करें तो ये हाई एफिनिटी होती है इनमें बेसिक प्रोटीन्स की। ये जो प्रोटीन्स होती हैं ये बेसिक होती हैं नेचर में। क्लियर? अब ये जो न्यूक्लियो प्रोटीन्स हैं ये कहाँ पाई जाती हैं? जैसे हमारे क्रोमोसोम्स हैं उसके अंदर पाई जाती हैं। और इनका मेन क्या काम क्या है? रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन के जीन का जो एक्सप्रेशन है उसने किस तरह से अपनी इन्फॉर्मेशन को एक्सप्रेस करना है उसको रेगुलेट करती हैं। क्लियर? ये काम किसका है? न्यूक्लियो प्रोटीन्स का। और याद रखें ये जो प्रोटीन्स हैं ये होती हैं H1, H2, ठीक है, H2A, H2B, H3, H4। क्लियर? ये प्रोटीन्स होती हैं H1, H2, H2B, H3, H4। क्लियर? दीज आर 5 टाइप्स ऑफ हिस्टोन प्रोटीन्स। H स्टैंड फॉर हिस्टोन प्रोटीन्स, हिस्टोन। क्लियर? इन्हें हम न्यूक्लियो हिस्टोन्स भी बोलते हैं। कि ये जो मोस्टली हमारा जो क्रोमोसोम है इसके अंदर अगर हम देखें तो क्या होता है, अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो क्रोमोसोम जो है इसमें दो चीज़ें पाई जाती हैं, एक तरफ हमारे पास डीएनए है और दूसरी तरफ हमारे पास क्या है? प्रोटीन है।
क्लियर। और ये जो प्रोटीन है ये कौन सी प्रोटीन है, हिस्टोन प्रोटीन, जो कि ये है हमारे पास, क्लियर। इसके अलावा डीएनए, तो ये होते हैं हमारे पास कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, जो कि डिफरेंट अदर सब्सटेंसेस के मिलने से जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स बनते हैं, डिफरेंट अदर मॉलिक्यूल्स के कॉम्बिनेशन से, जंक्शन से हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स बनते हैं वो क्या है, कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स। और जो कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स हैं इसका मैंने आपको बताया कि इनका डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस पर डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस होता है। लाइक अगर हम ग्लाइकोप्रोटीन ग्लाइकोलिपिड्स की बात करें तो ये सेल मेम्ब्रेन में स्ट्रक्चरल रोल प्ले कर रही होती हैं, ये फ्रेमवर्क के तौर पर काम करती हैं, और ये जो है वो जीन एक्सप्रेशन जो है उसको रेगुलेट करती हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं वो ये हैं कि व्हाट आर कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स, और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स की कुछ एग्जांपल्स ये जो है वो आपके सामने यहाँ पर लिखी हुई हैं, इसे आप जो है वो देख सकते हैं। ये हमारा टॉपिक जो है ये कंप्लीट हो गया। ओके, थैंक्स।